उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने रचा इतिहास, बनाई प्रचंड बहुमत से सरकार। नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं अमर टाइम्स। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में जहां उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर तंज कसे जा रहे थे, योगी को बुलडोजर बाबा बताया जा रहा था, तो वहीं पर जैसे जैसे रुझान बीजेपी की ओर आते हुए दिखे, वहीं पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हजरतगंज स्थित विधानसभा के सामने बुलडोजर के जरिए खुशी जाहिर की कि बुलडोजर के योगी बाबा फिर से आ गए। तो वहीं आपको हम बता दें कि उत्तर प्रदेश की राजधानी में कुछ ऐसा ही समर्थकों ने दृश्य दिखाया, भगवा गुलाल उड़ाकर बताया किस तरह से योगी सरकार बनने पर पुनः उन्हें खुशी हुई है और किस तरह से तंज भी कसा उत्तर प्रदेश की पूर्वी समाजवादी पार्टी सरकार, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पर कि 22 में नहीं आ रहे हैं, अब कोशिश करेंगे 27 में। आइए डालते हैं चीफ सब एडिटर एकता गुप्ता की एक विशेष रिपोर्ट पर नजर, जहां पर भाजपा समर्थकों ने की खुशी जाहिर भगवा गुलाल उड़ाकर और सभी को भगवा मय कर दिया। आइए डालते हैं एक विशेष रिपोर्ट। तैयारी करो, तैयारी हाय हाय, भगवा धारी जय तिलक की, भगवा धारी सारे रीजन है। क्या रीजन है? रीजन ये है कि सबसे पहले जो हमारी संकुचित जीवन था, हम डर रहे थे, हमें कहा जाता था पुरुषों के दो कदम पीछे चलो क्योंकि तुम्हें सुरक्षा चाहिए, हमें कहा जाता था कि तुम्हारा आत्मबल कमजोर है, तुम रूढ़िवादी हो। जब से योगी और मोदी की सरकार आई है खासकर यूपी में, तब से मैं बहुत खुश हूँ कि हम स्वच्छंद जीवन जी सकते हैं। हम ये बताइए जो रंग है रंग, ये सब रंग समाहित है क्योंकि ये इंडिया ही सारी जातियों, विभिन्न जातियों का समावेश है, अखंडता में एकता का प्रतीक है, तो हम वो सारे फेस्टिवल अभी आज जी लेना चाहते हैं। घोषित नहीं हुए अभी, घोषित पर अटल विश्वास है, हम उनको जिताने निकले थे और हम जिता रहे हैं और ये शोर उन्हें हमारे आगे हमारे सामने राजगद्दी पे बैठाएगा, हम उनका तिलक करेंगे। और जो उन्हें टक्कर दे रहे थे क्या कहना चाहेंगे? उनके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, उन्हें बस यही कहेंगे कि वो सबक लें, वो जनता के लिए नेता चुने जाते हैं, जब उन्हें वोट चाहिए होता है तो हाथ जोड़ते हैं
और जब वोट मिल जाता है तो बाय कर देते हैं। तो आज से वो प्रणाम, आज से यस, क्योंकि अब हमें काजू की मिठाई खानी है, अब खानी है, अब हमें गुड़ का सेब नहीं खाना है। और लोगों से मिलेंगे, हम पीछे चलेंगे और जानेंगे क्या कहना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं। राष्ट्र की करो तैयारी, राष्ट्र की करो तैयारी, राष्ट्र की करो तैयारी। बोला है जो ये गा रही हैं, और जहाँ खुश हैं, पसीने में तरबतर है, रंग में तरबतर है, लेकिन एक खुशी है, भगवा धारी आ रहे। क्या कहना चाहेंगे? योगी ही योग्य है, योगी योग्य है, योगी ही योग्य है, इसीलिए योगी जी आ गए हैं और हम सब लेकर आए हैं भगवा धारी की जय, भगवा धारी की जय। क्या कहना चाहेंगी? हम यही संदेश देना चाहते हैं अपने आदरणीय योगी जी को, और यही कहेंगे कि आपको हम नारी शक्ति या युवा या इस जनता ने आपको चुना है, तो जो पहले नहीं हो पाया है उसको आप अब करिएगा कि 2027 में फिर आप आइए। यही निवेदन है हम लोगों का, और आपके आने से, और आपके आने से हम लोगों को जितनी खुशी मिली है, जितनी खुशी मिली है, लग रहा है कि इस प्राण में मोदी और योगी के अलावा कोई दूसरा नहीं है, क्योंकि योगी मेरा भाई है, मोदी मेरे पिताजी हैं। और सबसे ज्यादा श्रेय इस पार्क मधुबन के पार्क में जाता है स्मिता श्रीवास्तव को, कि वो हम सब लोगों को बुला करके और इतनी जल्दी से इंतजाम करके, और आप लोगों को ये हमारा हंगामा चैनल भी आ गया, हमारे बच्चे एकता, हमारे बच्चे कश्यप, इनको योगी मोदी और ऊपर उठाएं, यही हमारा निवेदन है। अच्छा, ये बताइए कि आप भी पहली बार हो उत्तर प्रदेश में कोई मुख्यमंत्री दोहराया जा रहा है, क्या है उन्होंने, ऐसा क्या है उनमें कि आप सब लोग दोबारा लेकर आए? हम इतिहास रच दिए हैं, सारी नारी शक्ति घर से जा जा करके उठ दिया है, कोई अमेरिका में थी, कोई भी उसमें इंडोनेशिया में थी, कोई विदेश में थी, कोई यहाँ के वहाँ जिलों में थी, लेकिन सब लोग अपने अपने स्थान पर आकर के मोदी जी को कमल को खिलाया है, तब इसलिए मोदी जी आए हैं। तो गुंडागर्दी खत्म हुई है, सुरक्षित हुए हम, महिलाएं सुरक्षित हैं, हम महिलाएं सुरक्षित की वजह से आज योगी जी को सब लोगों ने बहुत प्यार दिया है। और जानेंगे क्या क्या कहना चाहेंगे आप? योगी जी के लिए महिलाओं ने बहुत प्यार दिया है, हर महिला ने, एक एक महिला ने घर से निकल के योगी जी को वोट दिया है, क्योंकि नारी शक्ति जो है मजबूत हुई है, सपा में मजबूत नहीं थी। आज जो आपने, सुनिए, आज जो आपने जीत देखी है ना, तो हमने गुलाल से इस जीत को शो किया है, और अभी ये सपा जीती होती तो तमंचे लहराते, बंदूकें लहराती, उनका प्रदर्शन और हमारे प्रदर्शन में बहुत फर्क है। हम आज जो देखिए सड़कों पर, आज जीत के बाद नारी कितनी निकली है, पुरुष से भी ज्यादा नारी निकली है, लेकिन आज हमारे अखिलेश आए होते तो नारियां सब अंदर बैठी होती, दुबक के कोने में बैठी होती, इस तरह से कोई नहीं निकलता। क्यों? क्योंकि कहीं बारूद फट रहे होते, कहीं बंदूकें लहरा रही होती, लेकिन बंदूकें लहरा रही होती, लेकिन आज योगी जी को मेन लाने का कारण हमारा यही है कि उन्होंने महिलाओं को बहुत मजबूत किया है, महिलाओं मजबूत किया। मैं और एक महिला और योगी जी की फैन है, योगी जी मोदी जी दोनों की फैन है, बचपन से ही भाजपा में है, आरएसएस से, बचपन से ही आरएसएस में है, और राज्य सेविका समिति में भी है, पूर्व में हम भाजपा से कॉरपोरेटर भी रह चुके हैं। सबसे बड़ी बात हमारी योगी जी मोदी जी को लाने की, भाजपा को आगे बढ़ाने की, ये है कि अभी तक जो वादे होते थे वो वादे रह जाते थे, अब जो वादे होते हैं वो हकीकत में ज़मीन पे सबको दिखाई देते हैं। इसीलिए जात पात में जो बांटा जा रहा था आज तक, कि ये ऊंच है, ये नीच है, ये ओबीसी है, ये ब्राह्मण है, ये मुसलमान है,
सभी भाई बहनों की आंखें खुल गई हैं और सब ने मिल के मोदी जी और योगी जी को आगे बढ़ाया है, जिताया है। और भविष्य में आप उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे भारत को देखेंगे कि क्या रूप था। और इतने समय से आप हैं राजनीति में, भी सब कुछ देखा है आपने, तो ऐसे क्या चीज है दोबारा दोहरा दिया उनको, क्या है उनके इनमें करने की क्षमता है, जो कहा वो करके दिखाया। और बाकी जो होता था कि वाह वाह वाह, राम मंदिर भी एक चीज है, पर केवल राम मंदिर ही नहीं है, सबसे बड़ी चीज है कि जो हमने कहा वो किया। विश्वास जीतने के लिए जब क्रियान्वयन में होती है चीज, तभी विश्वास करता है आदमी, आगे आता है। फिर से भाजपा जिंदाबाद। चलिए और जिंदाबाद जी। देखिए आज के दिन जो हर्षोल्लास बहुत ज्यादा खुश है, और सबसे ज्यादा नारी सशक्तिकरण की बात है। और आज आप बार बार ये प्रश्न पूछ रही कि हमने इस सरकार को दोबारा क्यों बुलाया। देखिए हम आपको बताएं, इतना कोरोना टफ स्टेज था, इसमें इतने लोगों की डेथ होने के बावजूद भी हमारे प्रधानमंत्री और योगी जी ने मिलकर इतनी व्यवस्था अच्छी कर दी कि लोग मरने से फिर भी बचे, बहुत से लोग बचे। ऐसा नहीं है कि बहुत से लोग सब चले गए, अगर चले गए होते तो आज हम दुनिया में ना होते। और दूसरा, धर्म की स्थापना केवल एक नारी ही करती है, जिसको कि हमारे प्रधानमंत्री ने जाना और समझा और धर्म को आगे बढ़ाते हुए हमारी नारी शक्तिकरण को बढ़ाया, इसलिए हमको धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे आप आज के दिन, कितना खुश है? अरे आज हम लोग बहुत, औरतें सब बहुत खुश है, योगी जी और मोदी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अयोध्या में देखिए मंदिर बनवा दिए हैं, राम मंदिर, और गौ माता के रक्षा के लिए कितने कत्लखाने बंद कर दिए हैं। अब योगी जी से ही प्रार्थना है कि जो है अच्छा काम करें सबके लिए, समाज के लिए, देश अच्छा काम करें। कुछ रह गया होगा गौ माता, क्या कहना? हम लेडीज़ के लिए आज वाकई में बहुत खुशी का दिन है, और हम लोग की एकता आप देख रहे हैं, भगवाधारी देश में सारे लोग हैं, सारे लोग ऑरेंज कलर, और तो और ने, हम लोग ने ऑरेंज कलर का कोल्ड ड्रिंक भी हम लोग महिलाओं ने योगी जी के नाम से गिराया, और हम लोगों के लिए बड़ी खुशी का दिन है। हम लोग योगी जी आए हैं, और हम नारियों की एकता संगठनता आप देख रहे हैं कितनी जोर से। दो लाइनें हम नारियों के लिए, कोमल है कमजोर नहीं ये, शक्ति का नाम ये नारी है, जग को जीवन देने वाली, मौत भी जिससे हारी। और मुझे क्या कहना चाहेंगे आज के दिन, बीजेपी जो बहुमत के साथ, पूर्ण बहुमत के साथ जी। बिल्कुल, वो आना ही था, ये हम लोग की ईश्वर से प्रार्थना थी, सारी महिलाओं की, सारे प्रदेश की, क्योंकि मोदी जी ने, योगी जी ने इतना बढ़िया काम किया है 5 सालों में। क्या सड़कें बनवाई, क्या नहीं है, संभव था, आना ही था, असंभव नहीं है। खाली हिंदू जाति के लिए नहीं, मुसलमानों के लिए भी, हर जाति में मुसलमानों के लिए, महिलाओं के लिए इतना किया कि आज वो भी बढ़ चढ़ करके वोट दी हैं, और उन्हें 3 तलाक का सारा मामला निपटाया है, और महिलाओं के लिए उन्होंने इतनी सुरक्षा प्रदान की है कि आज हम आराम से रात में भी निकल करके जा सकते हैं, इसलिए वो बार बार आएंगे। और हम लोग की यही आज तो बहुत ही खुशी की बात है, बीजेपी जीती है, अब इसमें कुछ कहने की कुछ रहा ही नहीं है। सबसे पहले तो महिलाएं इतनी सुरक्षित, हम लोग रात में निकलने में भी डरते थे, लेकिन आज इतना खुश हो रहे हैं हम लोग, क्योंकि अब हम लोग दिन दहाड़े कहीं भी निकल जाते हैं, कोई गम नहीं होता हम लोगों को, क्योंकि डर नहीं लगता है। हाँ ठीक, और सपा में तो हम लोग घर से निकलने में भी डरते थे, और उन्होंने तो बहुत कुछ किया, राम मंदिर बरसों से नहीं बन रहा था, उन्होंने राम मंदिर को बनवा के बनवा दिया, अब इससे बड़ा खुशी क्या। और पूछेंगे, आप पूछेंगे कि महिलाओं का खुशी तो बनती है भाई, महिलाओं के लिए किया, पुरुषों के लिए ऐसा क्या किया उन्होंने कि जो इतना प्यार मिल रहा है, बहुमत के साथ आ रहे हैं, महिलाओं के लिए या पुरुषों के लिए या जाति के लिए, बिरादरी के लिए, न जात है, न बिरादरी है, न मजहब है, न कुछ है, सब हिंदुत्व की बात है। हमारे मोदी जी, हमारे योगी जी ने जो काम किया वो किसी एक मजहब, जाति या धर्म के लिए नहीं किया, बल्कि सारे समाज के लिए किया। उन्होंने अगर राशन बांटा तो हिंदुओं को भी दिया, मुसलमानों को भी दिया, क्रिश्चियनों को भी दिया, सरदारों को भी, सबको दिया। इसी तरह उन्होंने जो बिजली पहुंचाई गांव-गांव में, वो सबके लिए है, वो नहीं देखा कि ये मुसलमान है या हिंदू है, जो इनको ज़रूरत थी उनको उन्होंने बिजली पहुँचाई। इसी तरह चूल्हे बांटे, इतने काम इन्होंने किए हैं कि अगर हम गणना करना शुरू कर देंगे तो थक जाएंगे। काम में गिना देती हूँ कि इस बार चुनाव में सबने कहा है कि अब उनका नाम बदल दिया है, अब बिल्डोजर बाबा हो गए वो, क्या कहना चाहिए इस बारे? नहीं, वो बहुत कुछ है, ये नाम वो बिल्डोजर बाबा तो है ही, जिससे कि नारियों को बहुत ज्यादा शक्ति मिली है। पिछले सरकार में अगर कोई लड़की रात में बाहर जाती थी तो उसकी माँ कहती थी बेटी डर लग रहा है मत जाओ, आज के दिन में वो लड़की अगर बाहर जाती है तो कहती है, माँ कहती जा जाओ, कोई नहीं बेटा,
योगी सरकार है, कुछ नहीं होगा। वो कहते हैं कि बेटा हाँ, अब कोई नहीं दिक्कत होती है। इसलिए जो नारी को शक्ति प्रदान हुई है, ये नारी को जो संबल प्रदान हुआ है वो इस राज्य में हुआ है, और आज नारी जो है इसीलिए शक्ति जागी हुई है। आज नारियां इसीलिए बहुत ज़्यादा जो है मोदी जी को, योगी जी को प्रशय दे रही हैं कि वो उनके लिए जो है भगवान के समान प्रकट हो गए हैं। और मैं उनके लिए पूछूंगी, जो जिन्होंने उनको कड़ी टक्कर दी थी और बड़े बड़े वादे किए थे और बहुत कुछ फ्री करने की कोशिश की थी, लेकिन आज वो कहीं ना नहीं दिख रहे, हार रहे, क्या कहना चाहिए उनको? वो तो एक टेम्परेरी जो है सगुफा है, दो दिन के लिए जब उन्होंने दिया है तो जब पब्लिक तो देखी कि हाँ भाई ठीक है, इन्होंने कुछ दिन हमें फ्री कर दिया, बाद में क्या हुआ, बाद में लोग गाड़ी देना शुरू कर दिए। अभी देखिए इलेक्शन हो जाएगा, दिल्ली का साफ हो जाएंगे, बुरी तरह साफ हो जाएंगे। तो जनता है मूर्ख है, कुछ जनता मूर्ख है जो कि पढ़ी लिखी नहीं है, वो सोचती है भाई ये भी फ्री है, ये भी फ्री है, ये भी फ्री कहाँ से होगा भाई, हमारे पैसे, हमारे जो टैक्स का पैसा है उसी से तो उनको दिया जाएगा, हम तो टैक्स देंगे, हमारा टैक्स बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, तो एक के ऊपर आप जो है पैसा लुटाएंगे, दूसरे से पैसा वसूल करेंगे, तो दिक्कत तो हमें आएगी ना। जैसे लोगों ने कहा कि भाजपा सरकार बहुत महंगाई आई, किसी ने कुछ नहीं सुना, भाजपा आ गई है और प्रचंड जीत के साथ आ गई है, उत्तर प्रदेश में इतिहास दोहरा दिया गया है, पहली बार कोई मुख्यमंत्री दूसरी बार आया अपनी गद्दी पर, पूरी बहुमत से आया है, ये चेहरे खिले हुए दिख रहे होंगे, कितने खुश हैं ये, और अभी तो अब दो शब्द और कहना चाहेंगे? यस, दो ही शब्द कहूंगी और बहुत मजबूत होगा, बहुत दमखम के साथ। बेखौफ आज़ाद है जीना हमें, बेखौफ आज़ाद है कहना हमें। और इसके साथ मैं बता दूं बहुत फनी चीज़ है, एक छोटा बुलडोजर मेरे कमरे में गए, तो छोटा सा बुलडोजर है, बुलडोजर बाबा फेमस हो गए हैं, और ये प्यार है बीजेपी को पूर्ण बहुमत के साथ, और ये मिठाई दी गई है हमें खाने के लिए, कि ये खुशी है कि आप भी मुँह मीठा करिए, क्योंकि वापस आ गया है भगवा, और ये होली नहीं भगवा है, भगवा यूपी का जो होता है, ये भगवा बहुत फेमस है यूपी का भगवा, और भगवा आप खेलने जा रहे हैं ये लोग, और जीत का जश्न मना रहे हैं, और जीत तो हो ही गई है, अभी हम आपको इन्हीं लोगों के साथ छोड़ के जा रहे हैं, और इन लोगों के साथ ही आप इनका हंसता हुआ चेहरा देखेंगे और जय श्री राम के नारे देखेंगे, अभी मुझे जा दीजिए। योगी मोदी जिंदाबाद, योगी मोदी जिंदाबाद।